हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है लास्ट मोमेंट ऑफ क्लैरिटी, जिसे डायरेक्ट किया है कॉलिन क्रिसेल एंड जेम्स क्रिसेल ने। बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 5.2 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम सैम नाम के बंदे को देखते हैं। उसे एक सपना आता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो पास के एक कॉफ़ी शॉप में काम करता है। वहाँ का ऑनर उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। सैम हमेशा अपनी लाइफ डर डर के जीता है। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। एक रात मूवी देखकर वो घर जा रहा था, तब भी उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, तो जल्दी से वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो बेचारा आदमी सिर्फ अपने काम से घर जा रहा था। सैम को हमेशा अपनी वाइफ की बहुत याद आती है, जिसकी 3 साल पहले एक फायर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सैम की वाइफ का नाम लॉरेन होता है। लॉरेन उससे पूछती है, क्या तुम किसी और से प्यार कर सकते हो? सैम कहता है, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। लॉरेन एक्ट्रेस बनने वाली थी। वो कहती है, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई फिर भी क्या तुम मुझसे ही प्यार करते रहोगे? सैम फिर मजाक में कहता है, तुम अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो, तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अगर तुम सक्सेसफुल हो गई फिर क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? लॉरेन भी कहती है, हाँ मैं प्यार करूँगी। इनकी रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल थी। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में सैम का फ्रेंड उससे कहता है, अब 3 साल हो चुके हैं, तुम्हें किसी और लड़की से मिलना चाहिए और उसके साथ डेट पर जाना चाहिए, तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो। सैम ये करने के लिए रेडी नहीं होता और हमेशा उसे लॉरेन की याद आती रहती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है, लॉरेन को गोली लगी थी। लॉरेन ने एक बार सैम से कहा था, इसी ब्रिज पर तुम मेरे प्यार में पड़े थे, और इसी ब्रिज को अब तक सैम विजिट करता रहता है। एक दिन वो एक न्यू मूवी देखने के लिए गया। उस मूवी में जो एक्ट्रेस थी ये उसे लॉरेन की तरह ही लगती है। वो पूरी तरह से श्योर होने के लिए उसकी बहुत सारी फोटोज देखता है। फिर वो कन्फर्म हो चुका था, यही एक्ट्रेस लॉरेन है। सारी फोटोज उसने अपने फ्रेंड गिल्स को दिखाई। गिल्स उसे कहता है, दोनों सेम पर्सन नहीं है, तुम जिस तरह से इन सारी चीजों से ऑब्सेस्ड हो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, रात में सैम ने लॉरेन की मदर को कॉल किया। वो उससे लॉरेन के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो कहती है, मेरी बेटी की जान सिर्फ तुम्हारी वजह से गई है। कॉल खत्म हो जाने के बाद लॉरेन की मदर ने एक डिटेक्टिव को कॉल करके उसे सैम के बारे में बता दिया, जो हमेशा से सैम को ढूंढ रहा था। उस फायर के बाद सैम सिटी से भाग गया था, इसी वजह से डिटेक्टिव उसे ढूंढ रहा था। उस डिटेक्टिव का नाम बिल होता है। फिर अगली सुबह सैम गिल से मिलता है। वो उसे कहता है, अब मैं एले जाने वाला हूँ। गिल को समझ में आ गया था, अब वो सैम को रोक नहीं सकता, शायद ये उनकी आखिरी मीटिंग हो। इस वजह से गिल्स ने उसे बहुत सारे पैसे दे दिए। सैम के चले जाने के बाद उसको ढूंढते हुए बिल वहां पर पहुंचा। वो गिल्स से मिलता है और सैम के रूम तक पहुंच जाता है। उसका रूम वो चेक करता है, तब पूरी वॉल न्यूज़पेपर कटिंग से भरी हुई थी। 3 साल पहले जो फायर एक्सीडेंट हुआ था उसकी न्यूज़पेपर कटिंग यहाँ पर है, और साथ में लॉरेन की फ़ोटो और उस एक्ट्रेस की फ़ोटो जिसका नाम जॉर्जिया होता है, वो सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर थीं। अब बिल को पता था सैम कहाँ जाने वाला है। सैम एले पहुंचकर जहाँ पर मूवी की स्क्रीनिंग चल रही थी वहाँ पहुंच जाता है। वो डायरेक्टली अंदर घुसने वाला था, लेकिन उसे कैट नाम की बंदी ने रोक लिया, जो यहाँ पर काम करती थी। सैम ने थोड़ी देर बाद उस एक्ट्रेस जॉर्जिया को दूर से देखा, वो अभी कन्फर्म नहीं था। जब ये इवेंट खत्म हो जाता है तब कैट सैम को अप्रोच करती है। वो कहती है, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? सैम एक्चुअल में उसके ब्रदर का फ्रेंड था, वो हमेशा उसके घर पर आया करता था। इस इवेंट में सैम लॉरेन का नाम चिल्ला रहा था। कैट उससे कहती है, मैं तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहती हूँ, चलो हम बात करते हैं। सैम उसे फायर एक्सीडेंट और लॉरेंस जॉर्जिया है इस सब के बारे में बता देता है। कैट इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। फिर सैम ने उससे कहा, अगर तुम जॉर्जिया का बैकग्राउंड चेक करो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, एक बड़ा चांस है कि लॉरेंस ही जॉर्जिया है। मैं सिर्फ एक बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता था, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। कैट ने इसके बारे में सोचा और फिर नेक्स्ट टाइम कैट सैम को जॉर्जिया से मिलाने के लिए लेकर गई। एक पार्टी होने वाली थी जहाँ पर कैट और जॉर्जिया दोनों इनवाइट थे। ये दोनों वहाँ पर पहुँचे, तभी थोड़ी देर में जॉर्जिया भी वहाँ पर आई। कैट कहती है, पहले मैं जॉर्जिया से मिलकर आती हूँ, इसके बाद तुम आना। कैट ने जॉर्जिया को सैम को दिखाया, लेकिन जॉर्जिया उसे नहीं पहचानती। ये बात आकर कैट ने सैम को कहा। सैम कहता है, मैं पास जाकर उससे मिलकर आता हूँ। वो उसके पास गया, उसने लॉरेन को जो नेकलेस गिफ्ट किया था ये जॉर्जिया ने पहना हुआ था, इसका मतलब है वो लॉरेंस हो सकती है। वो उसे उसके नाम से बुलाता है, लेकिन जॉर्जिया उसे नहीं पहचानती। वो उससे कुछ और कह पाता, लेकिन तभी जॉर्जिया का बॉयफ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाता है।
उसे कुछ काम था इसलिए वो जॉर्जिया को वहाँ से लेकर गया। सैम ने कैट से नेकलेस वाली बात कही, लेकिन कैट कहती है उस तरह का नेकलेस बहुत सारे लोगों के पास होता है, मेरे पास भी था। कैट फिर सैम को अपने घर पर लेकर गई। वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझे ज्यादा याद नहीं करते? सैम कहता है, तुम रिवेलियस टाइप थी, तुम्हें म्यूजिक पसंद था। कैट कहती है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई थी। कैट एक सक्सेसफुल बैंड में थी, उसे एक रिकॉर्डिंग डील भी मिली थी, लेकिन उसने अपनी बुरी आदतों की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया। फेलियर आने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया। वो सैम से कहती है, कभी कभी आपको वक्त के साथ बदलना पड़ता है, जो आप थे वही हमेशा नहीं रह सकते। आज रात सैम को उसने यहीं पर सोने के लिए कहा। सैम काउच पर सोने वाला था, लेकिन वो कहती है, मेरा बेड छोटा है, लेकिन हम दोनों वहाँ पर फिट हो सकते हैं। सैम जैसे ही बेड पर लेटता है उसे नींद आ जाती है। रात में फिर से उसे लॉरेन के सपने आते हैं। ये कैट देखती है और वो सैम से कहती है, क्या तुम इस बात को जाने नहीं दे सकते? सैम कहता है, अभी नहीं। सुबह होते ही वो फिर से लॉरेन को ढूंढने निकल पड़ा था। कैट कहती है, मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। कैट जॉर्जिया के फोटोग्राफर को पहचानती थी। वो उसके ऑफिस गई और वहाँ से जॉर्जिया का एड्रेस निकाल लेती है। जॉर्जिया अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, जिसका नाम थॉमस होता है। ये कुछ ही दिनों में शादी भी करने वाले थे। एड्रेस निकालने के बाद कैट ने फिर से सैम को समझाने की कोशिश की, 3 साल हो चुके हैं और इतने दिन में लोग मूव ऑन कर जाते हैं, तुम्हें भी अपनी लाइफ से मूव ऑन करना चाहिए। तुम अब अगर उसे मिले तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। सैम इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। फिर ये दोनों जॉर्जिया के घर के बाहर पहुंच गए। वो रात तक वहां पर वेट करते हैं। फिर जॉर्जिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बार में जाती है, वो उसका पीछा करते हैं। सैम और लॉरेन का एक फेवरेट रोमांटिक गाना था जिसे सैम ने प्ले किया, इससे जॉर्जिया थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। फिर वो बाथरूम में चली जाती है, उसी के पीछे पीछे सैम पहुंच जाता है। सैम ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जॉर्जिया उसे कहती है, ये लेडीज वॉशरूम है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला लूँगी। सैम की इस तरह से इंसल्ट होने के बाद वो कन्फर्म था, जॉर्जिया लॉरेन नहीं है, वो बार में अकेला ड्रिंक करना चाहता था। तो कैट कार में जाकर बैठ गई। सैम को ढूंढते हुए बिल और उसके आदमी यहाँ पर पहुँच चुके थे। फिर एक आदमी सैम के पास जाकर बैठता है और वो कहता है, तुम वही हो। सैम को फायर एक्सीडेंट वाली रात याद आती है, उस आदमी को उसने वहीं देखा था। वो आदमी सैम पर हमला करने वाला था तो सैम उसे ही इंजर्ड कर देता है। जब वो बाहर निकला तब और एक आदमी उसे मारने लग गया। कैट ये देखकर उस आदमी को पेपर स्प्रे मार देती है। फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और एक सेफ जगह पर पहुंचकर कैट सैम से पूछती है, वो सब क्या था? सैम कहता है, मेरे पीछे एक माफिया है, उस पर पुलिस ने भी अटेम्प्ट टू मर्डर की केस लगाई थी, इसी वजह से सबको छोड़कर वो भाग रहा था। वो कैट से कहता है, अब मैं यहाँ से दूर जाने वाला हूँ, जहाँ पर मुझे कोई भी ढूंढ ना सके। कैट एक्चुअल में पहले से ही सैम को लाइक करती थी तो उसके साथ वो कहीं भी चलने के लिए रेडी है। सैम भी उसकी बात समझता है। ये दोनों करीब आकर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। रात में सैम के पास जॉर्जिया वापस आती है, वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो कहती है, तुम इस तरीके से फिर से मेरी लाइफ में वापस कैसे आ सकते हो? वो गुंडे अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुमने उनसे कितने पैसे लिए हैं? सैम कहता है, मैंने उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया, मैंने गैम्बलिंग पूरी तरह से छोड़ दी थी। एक दिन मैं अपने अपार्टमेंट से फोटोज ले रहा था, तब मैंने देखा एक आदमी ने एक लड़की को मार डाला। यह आदमी और कोई नहीं माफिया का बॉस था और उसने मुझे देख लिया, जिस वजह से मुझे मारने के लिए उसने अपने आदमियों को मेरे अपार्टमेंट में भेज दिया। उन आदमियों में से सैम ने एक आदमी को मार डाला था और इस फाइट में जॉर्जिया को भी गोली लगी थी और उस अपार्टमेंट में आग लग गई। तब सैम को लगा लॉरेन मर गई। सैम के सच बताने के बाद जॉर्जिया, जिसका रियल नेम लॉरेन है, उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। वो उससे कहती है, अब मेरा एक फियांसे है, यहाँ पर मेरी एक लाइफ है, अब हम क्या कर सकते हैं? सैम कहता है, तुम्हारी याद में मैं पेरिस में रह रहा था, तुम्हारे लिए मैं यहाँ तक आया, जिस ब्रिज पर मुझे तुमसे प्यार हुआ था वहाँ पर मैं जाया करता था। लॉरेन कहती है, अब मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। तब सैम कहता है, फिर अब भी तुम मेरा दिया हुआ नेकलेस क्यों पहनती हो? इस बात का लॉरेन के पास कोई भी जवाब नहीं था। ये दोनों करीब आ गए थे और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर उस रात के बारे में लॉरेन ने सैम से कहा, मुझे शोल्डर पर गोली लगी थी, थोड़ी देर में उसे होश आया तो घर में आग लगी हुई थी। वो बिल्डिंग के पीछे के स्टेयर से नीचे भाग गई, उसकी जान अभी भी खतरे में थी। उसे लग रहा था सैम ने अभी भी अपनी आदतें छोड़ी नहीं है, इस वजह से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए लॉस एंजलिस में आ गई। वहां पर उसे एक अच्छा ब्रेक मिला और वो एक्ट्रेस बन गई। वो सैम से कहती है, हमने 3 साल लॉस कर दिए, हम अब आगे पूरी लाइफ बहुत इंजॉय करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं बिल एक आदमी से मिलने के लिए आया हुआ था, जिसका नाम काल है। सैम ने उस रात जिस आदमी को मार दिया था वो काल का ब्रदर था, इसी वजह से काल उसे मारना चाहता है,
पर इस टाइम पे माफिया ने बिल को सैम को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था और कार्ल बिल के रास्ते में आ सकता है, इसलिए वो उसे वॉर्न करने के लिए आया हुआ था। लेकिन कार्ल उससे बिल्कुल भी नहीं डरता, उसे जो करना है वो वही करेगा। सुबह होने पर लॉरेंस सैम से कहती है, घर पर जाकर मैं अपना सारा सामान लेकर आती हूँ। इसके बाद वो इस कंट्री से निकल जाने वाले थे। लॉरेन को जाते हुए कैट देख लेती है, वो सारी बात समझ गई थी। सैम खुश था तो कैट भी उसके लिए खुश थी। सैम कहता है, मुझे एक काम करना है, जब तक माफिया का बॉस जिंदा है तब तक सैम और लॉरेंस सेफ नहीं है। अब सैम जाकर उस बॉस को मारने वाला था, इसकी हेल्प उसने कैट से ली। कैट को ये आइडिया पसंद नहीं आता, फिर भी वो उसकी हेल्प करती है। माफिया के बॉस की हालत बहुत ही खराब थी, वो हॉस्पिटल में था। सैम फिर डॉक्टर का कोट पहनकर बॉस से मिलता है, वो कहता है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मैंने तुम्हें 3 साल पहले मर्डर करते हुए देखा था और तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। बॉस ने कहा, मैंने जिसे मारा था वो मुझ पर चीट कर रही थी, मुझे रियलाइज हुआ था प्यार वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं होती। सैम उसे धमकाता है कि अपने ऑर्डर्स वापस ले लो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बॉस कहता है, मैं वैसे ही कैंसर से मरने वाला हूँ, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वो सैम को जाने देता है। अब जब वो मरने वाला है तो सैम उसके लिए खतरा नहीं है। अब प्रॉब्लम ये था, सैम ने कार्ल के ब्रदर को मारा है, अपने ब्रदर का बदला लेने के लिए कार्ल उस पर हमला कर सकता है। इस सिचुएशन के बारे में सैम को अब तक पता नहीं है, उसे लगता है सब कुछ ठीक हो गया। रात में बिल सैम को मारने के लिए आया, तभी बिल को बॉस का कॉल आ जाता है। वो कहता है सैम को उसे नहीं मारना है। बिल उसे छोड़कर चला जाता है, सैम को भी ये देखकर अच्छा लगता है, फाइनली अब उसे कोई मारने नहीं वाला। कार्ल को जब ये बात पता लगी बॉस ने सैम को छोड़ दिया है, तब वो बॉस के पास पहुंचता है। वो बॉस पर गुस्सा था और कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। बॉस कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लूंगा। कार्ल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वो बॉस को ही मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं, लॉरेन अपना सामान पैक करके जब घर से निकल रही थी तभी उसका बॉयफ्रेंड थॉमस वहां पर आ जाता है। वो समझ नहीं पाता यहां सब क्या चल रहा है। फिर लॉरेंस उसे बताती है, मेरा रियल नेम जॉर्जिया नहीं है, मेरे बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक तुम नहीं जानते। ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी सैम लॉरेंस को लेने के लिए आ जाता है। थॉमस भी सब कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहा था, वो जॉर्जिया से बहुत प्यार करता है। वो सैम से कहता है, जॉर्जिया तुम्हें जैसा समझती है तुम वैसे ही निकलना, उसका हमेशा अच्छे से ख्याल रखना। अचानक से पीछे की तरफ से डोर टूटने की आवाज आती है, डोर तोड़कर अंदर कैट आ गई थी। कैट सैम से कहती है, तुम्हें मारने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। वो उसे बता ही रही थी तभी वो एक आदमी को नोटिस करते हैं, वो सैम पर गोली चलाता है, लेकिन इससे पहले ही कैट ने उस पर शूट कर दिया। थॉमस जल्दी से भागकर जॉर्जिया को घर में छुपा देता है। जॉर्जिया बहुत डर गई थी, तब थॉमस ने कहा, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। सैम पर एक और आदमी ने हमला किया। जॉर्जिया और थॉमस यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर कार्ल ने इन्हें रोक लिया। कार्ल जॉर्जिया को मारने ही वाला था तभी थॉमस उस पर हमला कर देता है। थॉमस ने जॉर्जिया को बचा लिया। इसी के दूसरी तरफ जब कैट पर हमला हो रहा था तब सैम उसे बचा लेता है। ये सब लोग बहुत ही डर गए थे। इसके बाद सैम ने कैट को गले लगा लिया और थॉमस ने जॉर्जिया को। फिर इन दोनों ने रियलाइज किया टाइम आ चुका है ये अपनी लाइफ में मूव ऑन करके आगे बढ़ जाए। जॉर्जिया और थॉमस एक दूसरे से प्यार करते थे, कैट और सैम को भी एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर ये डिसाइड करते हैं ये एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। इसके बाद हम सैम और कैट को एक साथ देखते हैं, वो अलग अलग कंट्री में घूमते हैं। सैम का फ्रेंड गिल्स हमेशा से चाहता था सैम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए, अब सैम ने ये अचीव किया है। कैट से वो बहुत प्यार करता है, इस सब के बारे में वो गिल्स को बता देता है। गिल्स भी उसका लेटर पढ़कर उसके लिए खुश था। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।